यूपी चुनाव की बात करें तो यूपी में पांचवें चरणों के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की आज दो रैलियां हैं, एक प्रयागराज तो दूसरी अमेठी में होगी। वहीं अमेठी जहां बीजेपी ने कांग्रेस का किला ढा दिया था। यूं तो ये इलाका कभी कांग्रेस का गढ़ था, लोकसभा भी और विधानसभा सीटों में भी, पर 2014 में मोदी लहर के बाद से बीजेपी ने यहां वोटों में सेंधमारी की। बीजेपी की कोशिश का सकारात्मक नतीजा 2017 में दिखा और 2019 में तो कांग्रेस यहां से पूरी तरह साफ हो गई, जब गांधी परिवार को भी हार झेलनी पड़ी। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी ने वोट मांगे थे। 2022 में भी अमेठी से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं और प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी अमेठी पहुंचने वाले हैं। आज पीएम मोदी अमेठी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अमेठी के गौरगंज में पीएम की रैली होने वाली है और रैली का वक्त है 12:55। बीजेपी ने ट्विटर पर पोस्टर भी जारी किया है जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री को सिर्फ रैली में मौजूद लोग नहीं बल्कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह लाइव सुन सकेंगे। अमेठी में पीएम की जो विशाल रैली है उससे बीजेपी की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। अमेठी में विधानसभा की चार सीटें, 2012 में एसपी और कांग्रेस को दो दो सीटें, 2017 में बीजेपी को तीन, एसपी को एक, 2019 में अमेठी लोकसभा से बीजेपी जीती। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। पांचवें चरण में यहां 27 तारीख को चुनाव होने वाला है और पीएम की अगुवाई में अब की बार बीजेपी का टारगेट अमेठी में क्लीन स्वीप करने का होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।